use and don'ts for your body care to make it more hygienic and healthy tip number 1 is shower one or two times a day tip number 2 is use body scrub once a week to get rid of dead skin and tanning and get smoother skin यूज़ जेंटल सोप्स एंड बॉडी वॉश अगर आप हार्श बॉडी वाश यूज़ करोगे आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी एंड कभी भी बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना या तो ल्यूकोम वाटर यूज़ करना है या फिर नॉर्मल वाटर यूज़ करना है एंड यू गाइ स्किन यूज लूफा बट ऑलवेज ध्यान रखिए आपका जो लूफा है वो हमेशा क्लीन एंड ड्राई हो लाइक शावर से पहले एंड अब बारी बारिया डोंट्स की तो कभी भी आपको गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए हॉट शार्ट नहीं लेने चाहिए एंड कोई भी अगर आप टूल्स यूज़ कर करो हेयर रिमूवल टूल्स यूज़ कर रहे हो वो हमेशा क्लीन होने चाहिए एंड अपने ब्रश को हमेशा तीन मंथ के बाद चेंज करना चाहिए एंड सेम रेज़र का है अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपने अगर आपको लग रहा है कि बहुत वो खराब हो गया है उसको जंग लग रहा है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए एंड न्यू ले आइए एंड आप मैनी और पेडिक्योर घर पे कर सकते हैं लाइक जरूरी नहीं आपको बहुत से स्टेप फॉलो करने नॉर्मली हाथों और पैरों को अच्छे से क्लीन करना एक्सफोलिएट करना है इन साथ में आपने अच्छे से उसे मॉइस्चराइज करना है इवन फुल बॉडी को भी मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूले डू एंड डोंट्स ऑफ नाइट स्किन केयर सो फर्स्ट स्टेप इज नेवर एवर स्लीप विद योर मेकअप ऑन अगर आप अपने मेकअप के साथ सोते हो इसे स्किप करते हो एंड आप इग्नोर करते हो अपने मेकअप को रिमूव करना चाहे आप जितने भी थके हो ना हमेशा अपने मेकअप को रिमूव करो क्यों क्योंकि आपके फेस के ऊपर ओपन पोर्स कर देते हैं ब्लैक हेड व्हाइट हैड्स पिंपल्स, ब्रेकआउट एंड साथ में एक्ने एंड अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हो माइल्ड मेकअप वाइप से या फिर माइसेलो वाटर से ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्योंकि इसके बाद अगर आप नाइट स्किन केयर करते हो एवरी सिंगल नाइट तो गाइज आपकी स्किन केयर जो अलग लेवल पे चली जाती है आपकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी रिकवर होती है क्योर होती है एंड डीपली नरिशमेंट मिलती है स्किन को एंड स्पेशली रात को जब आप नाइट स्किन केयर करते हो ना वो ज्यादा वर्क करती है आपकी स्किन के ऊपर तो अब हम करने वाले हैं नाइट स्किन केयर एज यू ऑल नो नाइट में जो हमारी स्किन है वो रिलैक्स होती है बॉडी रिलैक्स होती है तो हमारी स्किन को ज्यादा टाइम मिलता है रिपेयर होने में तो आप ऐसा इंग्रीडियंट यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए जो बेस्ट रहेगा आपकी स्किन को डीपली क्यूर करेगा नरिशमेंट देगा एंड ग्लोइंग भी बनाएगा मैंने चूज किया विटामिन फर्स्टली आई एम यूजिंग प्लम्स विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विद मेंडर आइन फॉर अवर फर्स्ट स्टेप ओके सो दिस फेस वॉश क्लिन माई स्किन वेरी डीपली एंड स्किन फेस के साथ साथ अपने नेक को कभी भी नहीं भूलना फेस साथ, नेक को भी हमेशा क्लीन करना है अगर आपकी जो स्किन है वो डल रहती है तो भी आप ये वाला फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में जान डाल देता है एंड आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड फील होती है आफ्टर वॉश तो रात को डीपली क्लीन करने का यही मोटिव होता है कि आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल नहीं होती लाइक ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स क्लॉक पोर पिम्पल्स एंड आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहती है एंड अगर आपने कोई नेक्स्ट यूज़ करना है प्रोडक्ट वो भी अच्छे से पैनेट्रेट होता है सो तो हमेशा अपने स्किन के लिए सॉफ्ट एंड कॉटन वाला टावल ही यूज़ करें एंड हमेशा जेंटल रहें स्किन के साथ एंड डैबिंग मोशन में अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें

सो so, हमने हाथ नहीं लगाना फेस के ऊपर अपने आप ही दो मिनट के बाद फेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से तो यू सी इंस्टेंट ग्लो ऑन माई फेस ठीक है एंड अब हम बढ़ते अपने थर्ड स्टेप जो है ट्रीटमेंट तो रात में बहुत ज्यादा जरूरी है सो आई एम यूजिंग 50% परसेंट विटामिन सी सीरम विद में अगर आपको पिंपल एंड एक्ने के बाद डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो गई है हाइपो पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन या फिर डल्स की प्रॉब्लम है देन यू यूगा शुड गो फॉर दिस सीरम एंड इट ऑल्सो ब्राइटन अप योर स्किन एंड साथ में आपके कोलाजन को भी बूस्ट करता है स्किन में यू यूगा कैन सी इट्स लाइट वेट फॉर्मूला जो कि बहुत अच्छे से पेनीट्रेट हो जाता है आपकी स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है जो आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है अगर आप इसे एवरीडे बेसिस पे यूज करोगे आपकी स्किन हेल्दी तो होगी होगी बट साथ में ग्लोइंग भी हो जाएगी दिस इज वाई ट्रीटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न सो इट्स टाइम फॉर आवर फोर्थ एंड लास्ट स्टेप दैट्स मॉइस्चराइजर एंड यूजिंग प्लम्स थ्री परसेंट बुटमे मॉइस्चुराइजर विद्रो दिस मॉइस्टराइजर इज वेरी लाइट वेट बिकॉज इट है एंड रिपेयर भी करता है डीपली मॉइस्चुराइजर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन स्किन केयर चाहे कोई भी स्किन टाइप है आपके लिए मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा जरूरी है सो मैंने ये सभी स्टेप फॉलो किया एंड यू स्किन सी द रिजल्ट ऑन माई फेस लुक सो रेली ंग आफ्टर यूजिंग प्लम्स विटामिन सी स्किन केयर रेंज एंड यू गई स्किन सी ऑल द प्रोडक्ट लाइक फो प्रोडक्ट्स जो की आज मैंने यूज किए हैं विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए जैसे कि मैंने स्किन के ऊपर मैंशन किए हैं So my skin is an example of how much of a glow getter I have become after using this range and I would highly recommend you to try them out. So all the links are mentioned in my description box and you guys can also use a coupon code like my coupon code to get 10% off from Plum's website and the coupon code is mentioned on the screen. So go and shop now. अवॉइड और लेस योर स्क्रीन टाइम स्पेशली एट नाइट दिन को भी कम से कम ट्राई करें यूज करने का बिकॉज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हैज़ बीन फाउंड टू लीड ऑबिस प्रॉब्लम क्रॉनिक नेक एंड बैक प्रॉब्लम्स एंड इट विल ऑल्सो गिव यू anxiety एंड डिप्रेशन अगर आप बहुत ज़्यादा इसे यूज़ रहे हो तो इवन इससे जो रेज निकलती है वो आपकी स्किन के लिए आपकी आइज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सो so, कम से कम ट्राई करें यूज़ करने का एंड इवन इसके साथ आपकी जो स्किन प्रॉब्लम भी बढ़ती है आपके जो डार्क सर्कल हो जाते हैं आपकी आईज़ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे सो so, ट्राई की जब आपको ज़रूरत है आप तब इसे यूज़ करें एंड फ़ोन को दूर रख के ही सोएँ ओके okay? डूज़ एंड डोंट्स ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स जो भी आप खाते हो ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में आपकी यू नो हेल्थ में सो so, क्योंकि जो भी आप खाते हो ना अगर आप अच्छा खाओगे तो आपकी बॉडी सही रहेगी आपके बाल आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी अगर आप जंक ही खाई जाओगे ना तो आपकी बॉडी भी सफ़र करेगी आपकी स्किन आपके बालों पे वो दिखेगा क्योंकि उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है सो so, आपको लेस शुगर खानी चाहिए लाइक uh, like, जो भी यू नो टेस्टी कप होते हैं शेक्स होते हैं हाई इन शुगर वो आपको नहीं खाने चाहिए जंक आप वीक में एक बार खा सकते हो अपने फूड को शेयर ज़रूर करें ठीक है एंड साथ में क्योंकि जंक जो होता है ना वो हर रोज़ खाना बहुत बुरा होता है आपकी बॉडी के लिए ठीक है इससे आपको बहुत सारी डिजीज या फिर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं हमेशा कैलरीज को काउंट करें जब भी आप बाहर खाएं घर का आप यू नो अच्छा फूड खा सकते हैं जो हम नॉर्मल मॉम बनाती हैं दाल सब्जी और राइस ठीक है एंड साथ में सैलेड अगर फिर भी आपको बाहर खाना है आपका ज़्यादा वेट है देन आप सब्वे से कोई सैलेड खा सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा इवन आई लाइक इट वेरी मच सो क्योंकि वो टेस्टी होता है तो ना हम यू you नो know, टेस्ट के चक्कर में वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं सारी तो वो अच्छी बात है हाइड्रेटेड ड्रिंक वाटर जो कि आपको पता ही होगा टेक केयर ऑफ योर बॉडी सो डूज एंड डोंट्स ऑफ हेयर केयर आपको पता है कि हमें बहुत सारी हेयर की प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हम उसका ध्यान ना रखें जैसे रफ़ हेयर डैंड्रफ थिन हेयर लाइक हेयर फॉल सो आपको मैं डूज एंड डोंट्स बताऊँगी अबाउट हेयर केयर तो आपको हफ्ते में एक या दो बार हेयर वॉश करना चाहिए बहुत ज़्यादा डिजी रहते हो तो एक बार तो एटलीस्ट करना ही करना चाहिए एंड जब भी आप शैम्पू को यूज़ करें डायरेक्टली मत यूज़ करें लाइक आपने लैक पानी में पहले उसे डिल्यूट किया अच्छे से एंड देन फिर आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं एंड हमेशा टॉक्सिन फ्री शैम्पू यूज करें जो कि माइल्ड रहे आपके स्कैप के ऊपर आपके बालों के ऊपर एंड आपके बालों को ड्राई आउट ना करें या फिर रफ ना बनाए एंड एंड कभी भी हॉट वाटर नहीं यूज़ करना बालों के लिए लाइक like, जब भी आप हेयर वॉश करें स्पेशली तो आपने हमेशा या फिर ल्यूक्म वाटर यूज़ करना है या फिर आपने नॉर्मल वाटर यूज़ करना है ठीक है सो so, कंडीशनर आपको लगाना चाहिए कि नहीं ज़रूर लगाना चाहिए लाइक like, जब आप हेयर वॉश करते हो ना शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए पर कभी भी स्कैल्प के ऊपर नहीं अप्लाई करना चाहिए हमेशा लेंथ के ऊपर ही अप्लाई करना चाहिए दो मिनट रखें तीन मिनट रखें फिर आप वॉश कर दीजिए एंड हमेशा लाइक सॉफ्ट टॉवल यूज करें अपने बालों के लिए एंड हेयर ड्रायर तो आपने भाई यूज़ करना नहीं है ठीक है क्योंकि इससे आपके बाल वीक हो जाते हैं एंड जब भी आपने अपने बालों को ड्राई करना है तो कोशिश करें नॉर्मल एयर में तक बहुत जल्दी सूख जाते हैं आजकल तो बस जब यू नो ठंड होती है तब जल्दी नहीं सूखते बट हाँ अब गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी आराम से सूख जाते हैं